जय हिंद। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप असम राइफल जो आपका दीपू सेंटर बना हुआ, 7 सेंटर बने हुए, कौन सा बना हुआ? दीपू, दीमापुर, मेघालय, जोहरट, सुखोई, हाफलोंग, लाइट कोर, शिलोंग, जितना भी आपका सेंटर बना हुआ, 7 सेंटर बना हुआ है। तो अभी मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में कि आप दीपू असम राइफल ट्रेनिंग सेंटर एंड स्कूल आप कैसे पहुंचेंगे, आपका क्या है रूट, और पूरा अच्छे तरीके से बताऊंगा। और आपको मैं बताऊंगा, आपको लास्ट में वीडियो दूंगा पूरा वहां का रियलिटी का, कैसे क्या होता है, अकोमोडेशन, फूड वूड के बारे में सब कुछ पता हो जाएगा आपकी इस वीडियो में। वहां पे आप पूरा एक तरीके से आप जान लीजिए कि आप आधा मास्टर हो जाए, पूरा आपको विजुअलाइजेशन हो जाएगा कि कैसे क्या प्रोसेस होने वाला है आपके लिए। पूरा मैं अभी बना रहा हूँ वीडियोज़ इस सब के बारे में, पॉइंट्स को कलेक्ट कर रहा हूँ और पूरा रियलिटी आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप यहीं से बैठे बैठे आप कैसे पहुंच जाएंगे, क्योंकि बहुत कैंडिडेट्स पहली बार जा रहे हैं। तो आपका क्या है, दीपू केयर ऑफ असम राइफल ट्रेनिंग सेंटर एंड स्कूल करबी एंगलोंग असम, 78-24-60 वहां का पिन है। यहाँ पे कितने ट्रेड का गया, 3 ट्रेड का गया, क्लर्क हो गया, लेबोरेटरी असिस्टेंट का हो गया और AYA पैरामेडिकल का 3 ट्रेड का गया है। वहाँ पे रनिंग होगा, रनिंग के लिए बहुत ज़्यादा अप डाउन है। स्टार्टिंग पॉइंट जब आप शुरू करोगे तो थोड़ा सा प्लेन रहेगा, फिर डाउन डाउन डाउन, फिर अप डाउन अप, इसी तरीके से पूरा आपका चलेगा वहाँ पे। तो अब इतना हो गया, अब आपको क्या होगा कि आपको मैं एग्जैक्ट लोकेशन, आपको कोड जो है कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा 7MQMV जो भी है आपका +7, इस कोड को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये जो है आपका एग्जैक्ट लोकेशन है, इसी जगह पे आपको जाना है। अंधेरे में वहाँ पर लगा रहेगा बोर्ड पे कि असम राइफल या ट्रेनिंग सेंटर, यहीं पर आपको इन लोगों के लिए दौड़ है, रैली है। और आप वहाँ पर पहुँचेंगे कैसे, कैसे आप वहाँ पर जाएंगे, तो आप लोगों के लिए क्या आएगी, एक ट्रेन है जो कि जिसका नाम, जैसे दो ट्रेन का मैं नाम बता दे रहा हूँ, बहुत पॉपुलर ट्रेन है, फेमस ट्रेन है, जो कि आपका राजस्थान से चल रही है। राजस्थान के बाद कौन सा आ रहा है, हरियाणा, हरियाणा के बाद दिल्ली, दिल्ली के बाद यूपी, यूपी के बाद बिहार, बिहार के बाद वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल बाद असम, असम के बाद नागालैंड, इतने स्टेट को यह कवर कर रही है। ये दो ट्रेनें हैं। अब एक है आपका क्या, अवध असम स्पेशल, इसका है, और एक है आपका डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस। यह दो ट्रेन है, और अवध असम स्पेशल ट्रेन का नंबर आप लिख लिए 15910, जो कि गोरखपुर से डिब्रूगढ़ जा रही है, और 15909 डिब्रूगढ़ से वापस जा रही है आपका लालगढ़, कहाँ, राजस्थान की तरफ जा रही थी। आप ट्रेन नंबर को नोट कर लीजिएगा। और आपका एक है डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस, डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के बारे में आप देख लीजिएगा ट्रेन को। यही दो ट्रेन है जो आपका मेन वहां पर जा रही है दीपू के लिए, और जो भी लोग दीमापुर जा रहे हैं और सुखोई जा रहे हैं, उन लोगों के लिए भी यह ट्रेन बहुत ज्यादा मददगार होगा। आपको सेंटर पर एकदम पास में ले जाकर छोड़ देगा, वहां से आपका बस कुछ ही दूर का समय रहे, कुछ ही किलोमीटर का। आपका क्या होगा कि सबसे पहले आपका स्टेशन, जैसे कि आप इंटर कर जाओगे कामाख्या स्टेशन के बाद आपका गुवाहाटी, मेन स्टेशन के बारे में बता रहा हूँ, गुवाहाटी के आगे आप आएंगे लमडिंग के बाद आपका आ जाएगा दीपू, और उसके बाद दीमापुर, उसके बाद आपका दीमापुर जाके आप उधर जाइएगा। फूड और अकोमोडेशन के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ कि फूड और अकोमोडेशन के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप एक काम करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक को दे दे रहा हूँ इन सब वीडियोस का, जैसे कि आपका इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग असम राइफल रिक्रूटमेंट हो गया, अबाउट अकोमोडेशन एंड फूड, AICTC दीपू तक का सफ़र, इन सब वीडियोस को मैं आपको लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, ठीक है, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। बाकी आप वीडियोस के, अभी मैं वीडियो जब एंड करूँगा आप एंड तक पूरा जुड़े रहिएगा, जैसे मैं वीडियो को एंड करूँगा अबाउट अकोमोडेशन एंड फूड के बारे में आप देख लीजिएगा, फिर वो वाला वीडियो एंड होगा तो आपको मिल जाएगा AICTC दीपू तक का सफ़र, नहीं तो आप आके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा, पूरा नोट करके रखिए। चलिए इस वाले वीडियो को आप अबाउट अकोमोडेशन एंड फूड के वीडियो को देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।